It's my lecture on 4 years BS degree program. 4 साल BS की degree social sciences में. देखिए मेरी पिछली वीडियो में ये डिबेट ख़त्म हो गई थी कि हम नेचुरल साइंसेज में जाएं या सोशल साइंसेज में, लिहाजा मैं सोशल साइंसेज की डोमेन को मज़ीद एलेबोरेट करूँगा, मज़ीद ओपन करूँगा और मज़ीद डिस्कशन में लाऊंगा. सोशल साइंसेस सबसे पहले क्या है, मतलब सोसाइटी को साइंटिफिकली देखना, सोसाइटी को साइंटिफिक बेसिस पे देखना, साइंटिफिक टर्म्स में देखना, साइंटिफिक लेंस से देखना, सोसाइटी को साइंटिफिकली एनालाइज करना. मतलब कि अगर क्राइम है सोसाइटी में, वायलेशन ऑफ राइट्स है, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, पॉलिटिकल हेजिमोनी है, फ्यूडलिज्म है, लॉलेसनेस है, वुमेन्स को राइट्स नहीं मिल रहे, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जायदाद को प्रॉपर तरीके से उसके हिस्से बनाकर उसका इनहेरिटेंस राइट्स नहीं है, डाइवोर्स रेट ज़्यादा है, सुसाइड रेट बढ़ रहा है, बच्चों को तालीम देने का अमल बहुत सुस्त है, दौलत चंद लोगों के हाथ में है, कुछ लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, कुछ लोग वसाइल लूट रहे हैं, कुछ लोग हुकूमतों में अपने जगह बनाए बैठे हैं, कारोबार की आज़ादी नहीं है, तिजारत के आसान वायदे नहीं किए जाते. तो बताएं ये तमाम चीज़ें किसी ना किसी सोसाइटी में होती है ना, जब ये किसी सोसाइटी में होती है, इन तमाम चीज़ों को साइंटिफिकली पढ़ना, इनके मसाइल को पढ़ना, इनके मसाइल पर अपनी राय देना, पुराने लोगों की दी हुई राय और उसका फेलियर क्यों हुआ उसको देखना, डेटा इस पर कहाँ कहाँ इकट्ठा हुआ, किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया, इंडिविजुअल लेवल पे किया, ग्रुप लेवल पे किया, कम्युनिटी लेवल पे किया, स्टेट लेवल पे हुआ, कैसा हुआ, प्राइमरी डेटा क्या कहता है और सेकेंडरी डेटा क्या कहता है, इस पर कितनी रिसर्चेज हुई हैं, इन तमाम चीज़ों को साइंटिफिकली देखना एक साइंस कहलाता है, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं. सोसाइटी में आपकी रिलीजन भी है, पॉलिटिक्स भी है, एजुकेशन भी है, इकॉनमी भी है, बेशुमार चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को, इनके असबाब को, इनकी काजीज को, इनकी अजम्पशंस को, इनके रिजल्ट्स को, इनके फ्लॉज को, इनकी वायलेशंस को, इनकी अवेलेबिलिटी को, इनकी डिपेंडेंसी को देखना साइंटिफिक तरीके से सोशल साइंसेस कहलाता है. क्योंकि एक सोसाइटी जो है वो इसी तरह नहीं बन जाती, मैं आपको बताया है, उसमें कोई ना कोई जेंडर है, उसमें कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका कोई ना कोई लोगों का वहाँ के रहने वाले लोगों का कोई ना कोई रिलीजन है, या वो स्टेट जो है, वो कम्युनिटी जो है, वो जहाँ सोसाइटी जो है वो सावरन है, या वो उसमें सिविल वार चल रही है,
उन लोगों पे कोई फ्यूडल जो है वो रूल ऑफ लॉ कर रहा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, उनका कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी कोई पार्लियामेंट है, उनकी कोई अपोजिशन अपोजिशन है, उनकी कोई प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनकी कोई ट्रेड के पैक्ट्स हैं, उनकी कोई चैम्बर बिजनेसेस चैम्बर्स हैं, उनके कोई आपस में तजारती मायदे हैं, उनके कोई सकाफती ताल्लुकात हैं मुस्लिम मालिक से, उनके कोई खेलें होती हैं मुस्लिम मालिक के साथ, सपोर्ट्स होती हैं, उनके कोई डिफेंस पैक्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ विन और जीरो सम लेवल। ये तमाम चीजें जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये हम किसी नेचुरल साइंस में नहीं पढ़ते, ये हम सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं। अब मैं सोशल साइंसेज में भी आपको बिल्कुल मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा कि इकोबोर ने ये कहा था, ट्रोलर ने ये कहा था, मीका सोलर ने ये कहा था, नीमा जैगम ने ये कहा था, मैं मुख्तलिफ मुश्किल टर्म्स नहीं बोल रहा कि 1921 में ये हुआ था, 1915 में ये हुआ था, 1922 में जर्मन साइंटिस्ट ने ये कहा था। मैं आपको सोसाइटी की जनरल बातें, आम फैम बातें, सादा तरीके से हर रोज के मामलों को आपके सामने सोशल साइंसेज के लबादे में प्रेजेंट करके उनका हल बता रहा हूँ, और उनको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का, एज्यूम करने का, उनसे रिजल्ट निकालने का, उनसे एक कंक्लूजन ड्रा करने का एक पैटर्न बता रहा हूँ, वो हमें सोशल साइंसेस की ग्लासेस पहन कर दिखाई देता है। लिहाजा हम अगर 4 इयर्स की BS डिग्री करते हैं सोशल साइंसेस में, तो वो कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो हम कर सकते हैं, अगले टॉपिक में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। वीडियो जो इसके बाद वाली होगी आप उसमें देखेंगे। देखते रहिए, फीडबैक देते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।